So, hello everyone. In today class, we are going to study about binary subtractions using ones and twos complements. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी बाइनरी अर्थमेटिक्स के अंदर में बाइनरी सब्ट्रैक्शंस एंड बाइनरी एडिशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने सिंपल बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है, जहां पे कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर्स को एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम घटा नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक हमें हमारा है वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन विद वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जहां पे अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ये यूनिट नंबर 4 इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये फोर्थ टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। माय नेम इज हरि मोहन राय, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, सो लेट अस बिगिन। सो द टॉपिक इज फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द हेडिंग्स बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट का चेक करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट। सो वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने, ताकि ध्यान पर रहेगा बाद में। तो स्टेप्स, अगर इफ यहाँ पे मैं पहले मेन हेडिंग डालता हूँ, इफ ए बाइनरी नंबर, कोई भी एक बाइनरी नंबर है, सपोज कीजिए कि वो उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी बेस टू बाइनरी को डिनोट करता है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर ए, देन द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी फॉलोड, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है हमें, ये देखिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है, बस चार स्टेप है गिन के, इन चारों स्टेप्स के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट द स्टेप नंबर वन, फर्स्ट स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं कि इफ ए यहाँ पे कि फर्स्ट टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी कि नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, क्लियर है, नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट, जो इस नंबर को हमें घटाना है यानी कि बी का, उसका हमें क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि इसका, और इसको मान लेते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी डैश के बराबर आता है। सेकेंड okay. अब क्या करेंगे, एड ए को, जो हमारा पहला जो नंबर है जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड बी डैश क्या है, जो कि मेरा टूज कॉम्प्लीमेंट है, यूजिंग बाइनरी, यानी कि यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी दोनों को ऐड करेंगे यूजिंग बाइनरी एडिशन, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे एडिशन फॉलो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं भी सब्ट्रैक्शन का यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे, अपने आप सब्ट्रैक्शन आएगा आप देखना। सो यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब दो पूछ रहा गया, ओके, थर्ड में अगर इफ दोनों जोड़ने के बाद इफ फाइनल कैरी इज वन, यानी कि फाइनल कैरी जो जनरेट हो रहा है वो वन है, देन क्या करेंगे, द रिजल्ट जो ऑब्टेन होगा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, यानी कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा, एंड द टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जो भी रिजल्ट आया होगा, सॉरी, एंड क्या करना है, एड द कैरी डिजिट इन द रिजल्ट, एट द कैरी डिजिट, यानी कि जो भी कैरी आया है वन जनरली,
सो एड द कैरी इन टू द रिजल्ट. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी अगर वन कैरी जनरेट हो रहा है तो एड द कैरी इन टू द रिजल्ट. ओके, सो रिजल्ट में हमें कैरी को, जो भी कैरी आया उसको एड कर देना है अगर हमारा वन आया है तो, और इसकी वजह से हमारा नंबर पॉजिटिव मिलेगा. लेकिन अगर नो कैरी जनरेटेड, इफ नो फाइनल कैरी जनरेटेड, फाइनल कैरी डिजिट्स के अंदर नहीं, लास्ट में सब फाइनल कैरी जनरेटेड, देन क्या होगा, देन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव, रिजल्ट विल बी नेगेटिव. एंड अब इस केस में क्या करेंगे, टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट हमें ओरिजिनली की वैल्यू निकालने के लिए टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट. क्लियर है, यानी कि गिवन जो वैल्यूज आई है वो उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, तब जाके आपका एग्जैक्टली क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल के लिए दो एग्जांपल हम देखते हैं. अब यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था, दोबारा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शंस जो है वो अगर छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को घटाना है तभी हम वंस एंड टूज का यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव आ जाएगी वैल्यू. लेकिन अगर बड़े में से छोटे को घटाना है तो आप जब तक बोला ना जाए तब तक आपको जरूरी नहीं है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करना. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन पूछा जा रहा है आपसे कि सब्ट्रैक्ट हियर, सब्ट्रैक्ट ए नंबर 1011 बेस 2 यानी कि बाइनरी में दिया हुआ है फ्रॉम इसमें से 0100 बेस 2 यूजिंग, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट. अगर ये नहीं दिया होता तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते थे. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले सॉल्यूशन. सो अंडर सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि कौन सा नंबर किसमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, तो इस जो ये वाला डिजिट होगा जिसमें से जिसको हमें घटाना है ये बी मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1011 और ए जो है वो डिजिट हो गया जो जिसमें से घटाना है 0100. ओके, दोनों बाइनरी नंबर है. नाउ अब हमें क्या करेंगे स्टेप नंबर वन में, फर्स्ट स्टेप में सपोज करते हैं कि बी डैश इज इक्वल टू बाइनरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी का कॉम्प्लीमेंट है, क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको. आई विल जस्ट चेंज इट टू बाइनरी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे डायरेक्टली वंस कॉम्प्लीमेंट, ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट हम पहले से जानते हैं. तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, जितने भी डिजिट है बी का उसको सबको कॉम्प्लीमेंट कर दे, यानी कि जीरो की जगह पे वन, वन की जगह पे जीरो, ये हो गया 0100, ये आ गया बी डैश की वैल्यू. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एड करेंगे एड बी डैश एंड ए को आपस में, ठीक है. तो ये 0100 बी डैश आ गया और ए की वैल्यू 0100, ठीक है. अब इसको ऐड करते हैं, अब देखिए इसमें भी चार डिजिट है, इसमें भी चार डिजिट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिजिट है चार से अगर ज्यादा आया तभी जाके बोलेंगे फाइनल कैरी जनरेट हो रही है. चलिए 0000 0000 110 एंड कैरी वन, फिर 100 ये हो गया वन. तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कैरी वन तो जनरेट हुआ नहीं, कैरी फाइनल कैरी का मतलब हुआ अगर ये चार डिजिट से ज्यादा यानी कि पांचवा डिजिट जनरेट हो तो कहलाएगा कि फाइनल कैरी जनरेट हुआ. इसका मतलब फाइनल कैरी इज जीरो, नो कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ, नो फाइनल कैरी जनरेटेड. इट मीन्स दैट द रिजल्ट जो हुआ, जस्ट द रिजल्ट इज नेगेटिव. याद है अगर कोई कैलरी जनरेट नहीं होता है तो आंसर मेरा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. और जो रिजल्ट निकला है मेरा, मान लेते हैं कि सी है, इसका क्या करेंगे वापस हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. सो फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, सी डैश कर लेंगे जो कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0111. दिस इज योर आंसर विच इज इन नेगेटिव वैल्यू,
यानी कि आपका आंसर आया -7। वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पे, ये 1011 क्या है, 1011 जो है 1, 2 यानी कि 3 और 8, 11 के बराबर है, और ये क्या है 010 यानी कि 4 के बराबर है, 0100 ठीक है, यानी कि ये 4 है। तो क्या कर रहे हैं, 4 में से 11 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ चाहिए 7, यही आंसर आ रहा है 7 नेगेटिव में, तो नेगेटिव वैल्यू। नाउ अब इसमें पूछ सकते हो कि हम सबट्रैक्शन कहाँ कर रहे हैं, हम तो एडिशन कर रहे हैं। यस वी आर सबट्रैक्शन, देखो कैसे कर रहे हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन करने का हमने तरीका क्या अप्लाई किया कि जिस भी नंबर को मुझे सबट्रैक्ट करना, जैसे बी ए को हम क्या करते हैं, ए को एज इट इज रखते हैं और बी को माइनस बी कर देते हैं और दोनों को फिर ऐड कर देते हैं आपस में, ए और माइनस बी को, जो भी वैल्यू आएगी वो अगर सिंपल सी बात है बी को सबट्रैक्ट करें, बी बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, अगर ए बड़ा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम कर रहे हैं, यानी कि इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्शन हम एडिशन कर रहे हैं, लेकिन क्या करके वंस कंप्लीमेंट का यूज करके। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2 हियर, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 10 यूजिंग वंस कंप्लीमेंट, यानी कि वंस कंप्लीमेंट का यूज करके। अगर ध्यान दो यहाँ पे 4 को 10 में से घटाना है, जो कि किसी भी मेथड से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वंस कंप्लीमेंट बोला गया है तो हम यहाँ पे वंस कंप्लीमेंट का यूज करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि ए कौन सा है, तो ए फ्रॉम जिसमें से होता है यानी कि ये 10। अब क्योंकि ये मतलब डेसिमल में है तो इसको क्या करेंगे, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज सिंपल सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैं 1, 2, 4, 8 और इसका बाइनरी कितना हो जाएगा 8+2 यानी कि 8 यहाँ पे 8 और 2 बाकी 0। और सिमिलरली बी जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4, जिसका कि हमें बाइनरी पहले कर लें, बाइनरी एडिशन करना है मुझे, तो बाइनरी इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा कितना, 4 चाहिए तो 4 के सामने बस 0, 1 बाकी 0, तो दिस इज योर, ये हो गया। तो ए एंड बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकल गई बाइनरी में। अब हमें क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है, दोनों स्टेप, स्टेप नंबर 1 इन फर्स्ट स्टेप, लेट मी स्टार्ट दिस वन। सो स्टेप 1, बी डैश इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका है, बी का, बी जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, चेक आउट हियर, सो बी का जस्ट सारे डिजिट को कंप्लीमेंट कर दीजिए, 0 की जगह पे 1, ये क्या हो गया 0, 1, 1। नाउ सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, क्या करना है मुझे, आई हैव टू टेक द, यानी कि ऐड करना है, ऐड ए एंड बी डैश टुगेदर। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ दोनों डिजिट को, अब ए की वैल्यू है 1010, बी वैल्यू आ गई 1011, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि ये है ए और ये बी डैश, ये है ए और ये है बी डैश। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये डिजिट्स की थोड़ी सी यहाँ पे ये कमी पड़ जाएगी, यानी कि स्पेस की, इस वजह से मैं सिंपल यहाँ पे एडिशन। अब जीरो में से ऐड करें, 1 ऐड करेंगे, 1, 0 and 1 ऐड करेंगे तो 1 and 1 ऐड करेंगे 0 और कैरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 1, है ना, फिर 1, 0, 0 ये 1 ही आएगा। अब 1 and 1 ऐड करेंगे 0 और कैरी एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 1 कैरी, देखो पहले डिजिट कितने थे 4, 4 और यहाँ पे अभी कितना आ जा 5 डिजिट आया, तो एक्स्ट्रा कैरी ये जनरेट हुआ, ये दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड फाइनल कैरी। फाइनल कैरी इज इक्वल टू 1, जब फाइनल कैरी 1 आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। और अब इस कैरी को मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है इसके साथ, ओके, तो मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस कैरी को हमें नीचे की तरफ यहाँ पे अलग स्टेप में लिख देते हैं। सो रिजल्ट इज इक्वल टू, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट हमारा होगा, रिजल्ट इज फाइनल रिजल्ट, ये 0101 में आप इस 1 को कैरी जो ऐड कर दीजिए, तो 110 कैरी 1, 101, 10। So this is your answer, यानी कि our result क्या है, positive. So the answer is 110, यानी कि
फोर और टू सिक्स, तो 10 में से 4 घटाया 6 आया और ये रिजल्ट पॉजिटिव हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके बाइनरी सब्ट्रैक्शन. अब सेम तरीके से जैसा हमने अभी ये किया है उसी तरीके से हम देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होगा. अंतर क्या होगा, जहां पे हम लोग वहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे यहां पे टूज निकालेंगे. सो लेट अस सी. तो यहां पे इफ अगेन इफ ए बाइनरी नंबर, ए बाइनरी नंबर बी जिसका कि ब्रेडिक्स टू है यानी कि बाइनरी है, इज सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, कोई बाइनरी दूसरा है ए में से, देन द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप्स टू बी टेकन. क्या क्या स्टेप करना है, यही सेम जो पहले हम लोगों ने किया था, यानी कि स्टेप नंबर वन. हियर आल्सो स्टेप नंबर वन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट. अब वहां पे पहले क्या लेते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेते थे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड यानी कि किसका, बी का. और इसका मान लेते हैं कि ये किसके बराबर आ गया, ये भी बी डैश के बराबर मान लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एड A and two's complement of, two's complement of B, यानी कि क्या B dash, दोनों को using using binary addition, binary addition, same steps दोनों में, बस केवल वहां पे one's complement था, यहां पे two's complement. Third step में if final carry is one, अगर one है then the result will be positive, the result will be positive and final and carry is to be discarded, carry को discard कर देंगे. So and carry to be discarded, ठीक है, and carry will be discarded, हटा दिया जाएगा. Final carry को छोड़ के जो answer आएगा वो हमारा answer होगा. और last में अगर if final carry is zero, यानी कि no carry, final carry is zero, zero का मतलब ब्रैकेट में नो कैरी, और कोई कैरी जनरेट, फाइनल कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ देन द रिजल्ट इज नेगेटिव. ओके, द रिजल्ट इज नेगेटिव और हमें क्या करना पड़ेगा, एंड देन टेक टेक टूज कॉम्प्लीमेंट. वहां पे क्या था, वंस लेते थे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, जो भी ऑब्टेंड हुआ है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट. सो चलिए इसमें भी एक दो क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, और इससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. तो चलो एक क्वेश्चंस तो हम ये मान लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हो अपने से. तो एग्जांपल नंबर वन, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सेपरेट करना, जैसे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट समथिंग 15 बेस 10 from just take 21 base 10. Okay, and using two's complement, or using two's complement. So solution apply करते हैं यहाँ पे. solution किसको किस में से subtract करना है, सबसे पहले तो a क्या है, a from वाला, from यानी कि 21 decimal में है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. तो इसका बाइनरी जो है बाइनरी, और अगर बाइनरी पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें लिखने का तरीका पता है कैसे,
वन, यहाँ से 1, 2, 4, 8 यहाँ तक में नहीं होगा तो 16 तक जाएंगे हम, 16 तक में आ जाएगा 21। अब इसके सामने लिख दें क्या हो गया इसका, 21 के लिए 16 और 4 20 और प्लस 1, तो ये हो गया। अब b क्या होगा जिसको सबट्रैक्ट करना है, 15। ओके सो ये 15 का अब बाइनरी हम लिख लें, तो 15 का बाइनरी क्या क्या किसको ऐड करना पड़ेगा, 16 तो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए 15 यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 1 1 1 1, और ये हो गया 0 हो गया दोनों का। अब पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, बी डैश इज इक्वल टू, मान लेते हैं जूम करते हैं, बी डैश इज इक्वल टू टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले बी का यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए यानी कि 1 0 0 0 0 और इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका बी डैश की वैल्यू। नाउ सेकेंड स्टेप में एड, एड ए एंड बी डैश, तो आप दोनों को ऐड कर दें, अभी हो गया 1 0 0 0 1 को ऐड करें 1 0 1 0 1 में, ओके ऐड 1 एंड 1 0 कैरी 1, फिर 1 0 0 1, फिर 0 एंड 1 1 0 0 0 और 1 एंड 1 ये हो गया 0 एंड कैरी 1। सो फाइनल कैरी यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, ओके सो दिस इज योर फाइनल कैरी, फाइनल कैरी इज 1। तो अगर फाइनल कैरी 1 है तो क्या होगा, इसको डिस्कार्ड कर दे, हटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि योर आंसर इज, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 0 1 1 0। यू कैन चेक आउट, मैच कर सकते हैं, ये कितना है 6 है, तो 21 में से 15 घटाएंगे, क्या आना चाहिए पॉजिटिव 6 आना चाहिए, सो इन पॉजिटिव, क्लियर है isn't it? सो स्टेप्स वही किया हमने, अंतर क्या किया, वहां पे जो 1 आ रहा था उसको ऐड करते थे वहां पे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिए हैं, ठीक है, ऑलरेडी 2's कॉम्प्लीमेंट ले, तो अलग से मुझे ऐड करने की 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1 1 0 1 1 फ्रॉम 0 0 1 0 0, ठीक है, इस तरीके से दो नंबर है, अब किसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये फ्रॉम है तो ये ए बन गया सॉल्यूशन, सो ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 0 एंड बी जिसमें से जिसको घटाना है ये 1 1 0 1 1। नाउ स्टेप नंबर 1, बी डैश इज इक्वल टू 1 2's कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 2's यूजिंग यहाँ पे लिख ले हैं क्वेश्चन में, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया b का, सो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, तो क्या होता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, पहले 1's निकालते हैं और इसके बाद उसका हम उसमें ऐड कर देते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, सो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b हो जाएगा ये, देखो ये 1 की जगह पे 0 0 1 0 0 और इसमें ऐड कर दें 1 तो 2's निकल गया, यानी कि 1 ये हो गया 0 1 0 0, ये हो गया b डैश की वैल्यू। सेकंड ऐड b डैश एंड a, तो अब ये जो वैल्यू आ गई यानी कि 0 0 1 0 1, इसमें ऐड कर देते हैं a की वैल्यू 0 0 1 0 0, दोनों का ऐड किया हमने टिप्स के साथ, तो 1 यहाँ पे 0 1 1 0 कैरी 1, सो 1 0 0 1 एंड 0, दिस इज योर, लेकिन इसमें क्या है फाइनल नो कैरी जनरेटेड, नो फाइनल कैरी, तो इसका मतलब क्या होगा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, रिजल्ट इज नेगेटिव, और मुझे क्या करना पड़ेगा इसका 2's यानी कि c इज आ गया, तो टेक 2's कॉम्प्लीमेंट
ऑफ ये सी क्या होगा, अब जो वन है वो जीरो हो जाएगा, वन जीरो वन वन जीरो, इसमें ऐड कर दीजिए वन, कितना हो गया वन 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 जीरो वन, सो दिस इज निगेटिव में आ रहा है इसका आंसर, यानी कि ये इन निगेटिव। पहले चेक करते हैं पहले डेसिमल से कि क्या जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं है, लेट अस सी हियर, जो ये गिवन नंबर है पहले 1 2 4 8 16, इसके सामने रख देते हैं हम लोग नंबर, ये कितना है 1 1 0 1 1, यानी कि ये b की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 16 + 8 = 24 और + 2 = 26 और 27 के बराबर, 27, और a की वैल्यू कितनी है, ये 0 0 1 0 0, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, तो 4 में से 27 को हम घटाएंगे कितना आना चाहिए 23, आंसर शुड बी 23, तो 23 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 23 के लिए मुझे 16 + 4 = 20 यानी कि ये आना पड़ेगा, यानी कि 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 इन नेगेटिव, क्योंकि -23 आएगा क्योंकि 4 में से 27 को घटा रहे हैं, तो दिस इज योर वेरिफिकेशन, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट आपको सॉल्व करने के लिए ये चार स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा किसी भी टाइप के वंस एंड टूज का। कहां पे जरूरत पड़ेगी वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट पे या तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वंस एंड टूज ही से सॉल्व करना है, या फिर आपको नंबर छोटे में से बड़े नंबर को घटाना, जहां पे कि नेगेटिव में हमें जो आंसर मिल रहा हो उस केस में मुझे वंस एंड टूज का यूज करके हमें सॉल्व करनी होगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आया होगा, अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट या कुछ टॉपिक में समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मेरी मैंने ईमेल आईडी अपनी दे रखी है, मुझे ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे।